हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर संडे। आज हम लोग जा रहे हैं फिर से एक छोटे से ट्रैक पर जो है कहाँ पे? खारगर में। अरे रिक्शा, मुझे लगा यहाँ पे रिक्शा। अरे भाई रिक्शा ही नहीं है। स्टेशन जाना। ये है क्या पक्का? हाँ, ये स्टार्टिंग है यहाँ से। अच्छा तो अपन जल्दी है। अबे मैं उसको पूछा खारगर गुरुद्वारा किधर है, तो मेरे को लगा गुरुद्वारा पे डाउट होना चाहिए। उसको डाउट होता मेरे को क्या पूछना था, खारगर खारगर मैं बोला खारगर स्टेशन पे खारगर पूछ रहा है। और छोटे तो अभी हम लोग खारगर स्टेशन आ गए, बहुत लेट हो गया था इसीलिए पहले ब्लॉग नहीं कर पाया, मैं इतना बोल नहीं पाया। तो गोरेगांव से खारगर का 40 रुपीज़ रिटर्न टिकट है, ये भी ऑलमोस्ट बजट ट्रैक जैसा ही है। तो अभी यहाँ से हम रहेंगे रिक्शा, जिसका होगा जितना वो मैं बताता हूँ आपको। यार ये इतना मस्त स्टेशन है, क्या वे स्टेशन लग रहा है क्या, ये स्टेशन एरिया। ऐसे कैब मिलेंगे यहाँ पे, तो पर पर्सन यहाँ पर कैब का है 20 रुपीज़, तो अभी तक अपना टोटल हो गया 60 रुपीज़ पर पर्सन। तो वैसे खारगर स्टेशन से पांडवकड़ा आने के लिए तो रास्ता आपको गूगल मैप से दिखेगा, तो वो रास्ता बाइक से भी अगर आप आ रहे हो तो जो गूगल मैप्स पे रास्ता दिखेगा उसमें ना वहाँ पे मोस्टली कॉप्स रहेंगे और आपको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर स्टेशन से आ रहे हो या फिर बाइक से भी आ रहे हो तो आपको ये जगह देखना है, खारगर गुरुद्वारा। ठीक है, ये गुरुद्वारा है तो इसके पीछे आपको जाना है, यहाँ से एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांव वाले आपको सब अंदर से रास्ता बता देंगे कैसे जाना है। तो यहाँ पे डीकैथलॉन के पॉन्चो का अनबॉक्सिंग भी होने वाला है, अभी हम इंसान से जादू बनने वाले हैं। अच्छा ये ऐसा पहनना है? हाँ। अरे ये बहुत त्रास वाला है। हाँ ये बहुत त्रास वाला है। नाइटी पहन लो। अच्छा तो लग रहा है ये जादू। तो ये पॉन्चो बहुत सही है, कितने का है वो? 400 रुपीज़ का ये रेनकोट है। बहुत मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मटेरियल शायद फट जाए, बट अच्छा है, काम कर देता है अपना। तो अभी चलते हैं हम अपने रास्ते में वहाँ से। चलो चलो गाइस, शो सम एनर्जी। मेरा फ़ोन है ना तेरे पास? इसके अंदर पानी जा रहा है, इतना अच्छा नहीं है यार ये, मैं थोड़ा महंगा वाला खरीद लेना। यहाँ से ये रास्ता है पांडवकड़ा का। तो जैसे मैंने कहा था कि ये ट्रैक बहुत छोटा है और एंटर करते ऐसा से कहा नहीं था, अभी कह रहा हूँ, ये ट्रैक एंटर करते ही आपको वाटरफॉल दिख जाएगा यहाँ से। तो वो देखो, आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं कैमरा में, एंटर करते ही तुम लोगों को वाटरफॉल दिख जाएगा और उसी की तरफ बस बढ़ते रहना बढ़ते रहना। देखो रुकना नहीं है। हाँ चलते रहना है, भागते रहना है, बस रुकना नहीं है। और यहाँ पे सब जगह पानी ही पानी है, क्या मस्त लग रहा है। ये देखो यहाँ पे पानी, कूद जाओ क्या इधर बे अन्ना। अरे भाई उन लोगों ने भाई ये पांडव कड़ा के लिए जाना है, तो यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है हमें ये रिवर क्रॉसिंग करके। फ्लो तो है पानी में लेके। ए रुक रुको, इधर ही रुक, इधर ही रुक। ये तो हमारा घमासान रिवर क्रॉसिंग। अरे यार मजा आया, इतने में ही मजा आ गया, ये तो कुछ भी नहीं था। अच्छा मेरा एकदम खतरनाक फोटो निकला। ठीक है तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। अच्छा अन्ना, खारगर के बारे में कुछ बता, कैसा लगा ये जगह? खारगर तो बहुत अच्छा जगह है, काफी डेवलप्ड है, नेचर से भी टच है और हाँ, लेकिन स्टेशन से उतरते ही पहाड़ है और फॉग है पूरा। यस क्या बताएं, डेफिनेटली सबको ऐसा लगेगा खारगर गांव है, लेकिन गांव नहीं है, इस वहम में मत रहना, क्योंकि बहुत डेवलप्ड है और नेचर से भी टच है, तो सब कुछ है यहाँ पे। इनफैक्ट अरे बाबा फालूदा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बाबा फालूदा है। बाबा फालूदा यहाँ पे, और यहाँ पे सब जगह जीपे चलता है,
तो मतलब हम लोग अभी कैब से आए, तो यूजुअली हर ट्रैक में जो कैब रहता है जो शेयरिंग वगैरह लेके जाते हैं उन लोग जीपे नहीं लेते, उन लोग कैश ही लेते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी क्योंकि कैश नहीं कैरी करते इतना। लेकिन यहाँ पे उसके बोनेट मतलब क्या विंडशील्ड, उनके विंडशील्ड पर ही उनका QR कोड था, स्कैन कर लिया बस हो गया काम। तो यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छा है एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग वाटरफॉल के और भी थोड़ा पास आ गए हैं, लेट मी शो यू। ये देखो ऑलरेडी यहाँ से हमें वाटरफॉल दिख रहा है एंड ये जगह है। यहाँ पे अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग को नहीं आने मिला इन एनी केस, अगर कॉफ से बंद हो गया या कुछ भी, रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी बैठ के चिल कर सकते हैं, इतना मस्त जगह है ये। जहाँ पर भी आओगे हो गया अपना काम, ट्रिप तो हो ही जाएगा अच्छा सा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आई हूँ ट्रिप पे। अच्छा ठीक है, आते आपको ये गेट दिखेगा, ये गेट के थ्रू ही जाना है और सीधा सीधा रास्ता मिल जाएगा। अभी बारिश हुआ है तो वाटरफॉल का फोर्स बहुत ज़्यादा है, इतना है कि शायद मेरा आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा सही से, मेरे मुंह पे भी पानी उड़ रहा है। ट्रस्ट मी यहाँ पे आओगे तो यू वॉन्ट बिलीव कि मुंबई के इतने पास में इतना क्रेजी वाटरफॉल है। ओके सो ये वीडियो के लिए इतना ही, प्रो टिप्स यहाँ पे आओगे तो एकदम जल्दी आना तो भीड़ कम मिलेगा, तभी आना जब थोड़ा सा बारिश कम हुआ हो ताकि तुम्हें फोर्स कम मिले और तुम थोड़ा चिल कर सको यहाँ, वरना यहाँ पर सिर्फ आना है थोड़ा सा पानी में बैठना और चले जाना है। और एक्चुअली जिनको नहीं जमेगा पानी, जिनको स्विमिंग नहीं आएगा, उनको लाइक साइड में जाके बैठना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा है टाइम अच्छे से देख कर आओ। और एक एक चीज़ ये है कि यहाँ पे 10 बजे के पहले ख़त्म कर दो अपना ट्रिप, क्योंकि कैसा है कि ये जो एरिया है ना एट दी एंड ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है, ठीक है, 30 सितंबर तक ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है लीगली। तो यहाँ पे जब अपन आ रहे हैं तो जल्दी सुबह आ जाओगे और चले जाओगे तो बेटर रहेगा। अभी भी एक्चुअली कॉप्स का कोई इशू है नहीं, बट फॉर सेफर साइड क्यों रिस्क लेना, तो जल्दी आओ और जल्दी निकल जाओ, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी करना। अभी वापस जाने के लिए हम लोग वापस से कैब लेंगे, 20 rupees लगेगा कैब के लिए, और फिर रिटर्न टिकट तो है ही ट्रेन का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।